हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं कानपुर में गंगा नदी के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कानपुर में गंगा नदी कानपुर के लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है और एक हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान भी माना जाता है। कानपुर में अगर जो नदी के मामले में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान गंगा नदी का है और यहाँ पे जो है सबसे अच्छी बात ये बोटिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है और यहाँ पे जो लोग तैरना जानते हैं वो लोग यहाँ पे स्विमिंग भी करते हैं और जो लोग तैरना नहीं जानते हैं वो यहाँ पे आकर के बस मतलब नहा लेते हैं। नहाने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत सारे लोग गंगा नदी में जो है गंगा नदी में अपने जो है पापों को धोने के लिए भी आते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी का स्थान जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ये शिव जी की जटा से जो है निकली हुई से जो पानी जो निकला था वो गंगा नदी के रूप में आया है, ऐसा हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार माना जाता है। गंगा नदी एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ये तो आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है सफाई का अभियान भी चल रहा है। साथ साथ ये गंगा नदी जो है यहाँ पे गंगा नदी के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स भी लगाए गए हैं। साथ साथ गंगा बैराज के लिए जो है सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ाई गई है, जिससे कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक्सीडेंट्स ना हो सके। मैं आपको दिखा रहा हूँ गंगा बैराज का ये नज़ारा, ये गंगा बैराज का ये नज़ारा है और ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक नज़ारा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है सेल्फी लेने के लिए भी आते हैं और बहुत सारे पर्यटक जो है घूमने के लिए भी आते हैं और ये घूमने का भी बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पे सुबह और शाम का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा आनंदमय होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर यहाँ पे आते हैं कानपुर अगर आते हैं तो कानपुर में आपको गंगा नदी की एक बार दर्शन जरूर करने चाहिए। यहाँ पे पास में शिव जी का मंदिर है जिसे आनंदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे शिव जी के दर्शन करते हैं हिंदू पुराण के अनुसार और फिर उसके बाद जो है गंगा नदी में स्नान करते हैं अपने पापों को धोने के लिए और कुछ पानी यानी कि गंगा नदी के कुछ पानी अपने मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, जिससे कि उनका मंदिर भी पवित्र हो सके, क्योंकि ये गंगा नदी का जो जल होता है वो काफ़ी पवित्र हिंदू पुराण के अनुसार माना जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है गंगा नदी में कि यहाँ पे जो है लोग अपने पापों के लिए तो आते ही हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अपने अस्थियों को भी बहाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है जो लोग यहाँ पे अपने मृतक लोगों के अस्थियों को बहाते हैं उनके जो मृतक लोग होते हैं वो स्वर्ग लोक को स्थापित किए जाते हैं तो ये और उनको मोक्ष भी मिल जाता है। और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो गंगा नदी का उस साइड वाला एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उस साइड में जो है वो एग्रीकल्चर एरिया है, यानी कि कृषि उद्योग वाला एरिया है, यानी कि वहाँ पे ग्रेन्स वीट वगैरह ये सब जो है उगाए जाते हैं, वो उत्पादन वाला एरिया है जो कि कृषि एरिया के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बोटिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो लोग यहाँ पर नहीं तैरना जानते वो लोग नाव में बैठ करके जो है गंगा नदी के आर पार भी जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे 24/7 की सर्विस अवेलेबल है और यहाँ पे आपको अगर आप आते हैं तो कानपुर गंगा नदी का आपको जो है स्मरण जरूर करना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ पे लोग जो है महात्मा और संत लोग भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है सुबह के वक्त नहाते हैं और यहाँ पे अपने पापों को जो है धोते हैं। बहुत सारे लोग जो है दूर दूर से पर्यटक भी कानपुर में जो है गंगा नदी के लिए आते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताना चाहता था तो कानपुर के विषय में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज इन फॉर वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इंप्लीमेंटेशन।